जय हिंद दोस्तों। हाईएस्ट इंटरेस्ट चाहिए वो भी गारंटीड रिटर्न के साथ, तो एनएचआईटी नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट ने एक एनसीडी लाया है जिसमें आप अपने डिपॉजिट अमाउंट पर फिक्स इंटरेस्ट रेट 8.05% तक अर्न कर सकते हैं। इस नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर में आप कैसे फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंडीशन क्या क्या है एंड इस एनसीडी की पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। एनएचआईटी एक ट्रस्ट है जो कि हाईवेज एंड टोल प्लाजा से रिलेटेड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम करती है और ये पूरा एनसीडी जो है वो एनएचएआई के थ्रू स्पॉन्सर्ड है, जिनके कैपिटल गेन बॉन्ड के बारे में आपने सुना ही होगा। और बात करें एनएचआईटी के एनसीडी की, तो यहाँ पर ये पहला सीरीज है, इसके बाद हो सकता है और भी सीरीज आ जाए। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप जो है आप देख सकते हैं, सिक्योर्ड एनसीडी है, सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, फेस वैल्यू 1000 की है जिसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्ट्रेप ए की फेस वैल्यू आपको 300 की है, सेकंड स्ट्रेप बी की फेस वैल्यू यहां पर 300 की है और स्ट्रेप सी की फेस वैल्यू यहां पर 400 की है। स्ट्रेप का मीनिंग ही है यहां पर सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड प्रिंसिपल पार्ट पेमेंट्स। हर स्ट्रेप की यहां पर डिफरेंट ISIN नंबर होगा, इसे टेन्योर के हिसाब से डिवाइड किया गया है, अलग अलग रखा गया है। टेन्योर की बात करें तो स्ट्रेप ए 13 ईयर्स के लिए होगा, स्ट्रेप बी यहां पर 18 ईयर्स और स्ट्रेप यहां पर 25 इयर्स। कूपन रेट आपको कितना मिलेगा, इंटरेस्ट रेट आपको यहां पर सेमी एनुअल बेसिस पे 7.90% और एनुअल बेसिस पे जब आप जाते हैं तो 8.05% तक भी आपको मिलेगा। यहां पर पार्शियल रिडम्पशन भी होगा आपका आफ्टर 8 इयर्स, जिसे मैं वीडियो में आप लोगों को आगे समझाऊंगा। एनसीडी के क्रेडिट रेटिंग की अगर बात करें तो यहां पर केयर ने ट्रिपल ए की रेटिंग दी है स्टेबल की, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। साथ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने भी यहां पर ट्रिपल ए की रेटिंग दी है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एनसीडी से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑप्शन जो है दो ऑप्शन में आपको मिलेगा, एक है सेमी एनुअल एंड सेकंड है एनुअल। इंटरेस्ट रेट आपको 7.90% सेमी एनुअल में और 8.05% एनुअल बेसिस पे मिलेगा। लिस्टिंग आपकी NSE एंड BSE पर की जाएगी। टोटल जो इश्यू साइज है वो है 1500 करोड़ रुपए का। अलॉटमेंट आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलने हैं और मोड ऑफ अलॉटमेंट ये सबसे जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इस एनसीडी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा इस एनसीडी में वो होगा 10,000 रुपीज। तो अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है और इस एनसीडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडिया के नंबर वन स्टॉक ब्रोकर जीरोधा को, जहां पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ब्रोकरेज की बात करें वो भी पूरे इंडस्ट्री में सबसे कम है और विद इन 10 मिनट्स आपका अकाउंट भी ओपन हो जाता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा पर ओपन कर सकते हैं। इस एनसीडी में रिडेम्पशन को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आपने 25 सालों के लिए 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो 8वें साल से 50 रुपए का रिडेम्पशन 13वें साल तक आपका होगा, तो इन 6 सालों में आपको पर ईयर 50 रुपए के हिसाब से 300 रुपए का रिडेम्पशन पर 1000 हो जाएगा एंड देन 13वें साल से 18वें साल तक 50 रुपीज करके 300 का रिडेम्पशन और भी आपका हो जाएगा एंड फाइनली 18 साल से 25 साल तक 400 रुपए का रिडम्पशन होगा पर ईयर 50 रुपीज के हिसाब से। इस बीच में आपका जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो सेमी एनुअल या फिर एनुअल बेसिस पे आपके अकाउंट में आते रहेगा एंड 8वें साल से जब ये फंड आपके बाहर होने चालू होंगे 50 रुपीज हर 1000 रुपए पे, उसके बाद जो आपका अमाउंट बचेगा उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। एनसीडी काफी अच्छा है, काफी स्टेबल है, रेटिंग काफी अच्छी है और काफी समय बाद ऐसे इंटरेस्ट रेट में कोई एनसीडी या बॉन्ड आया है। तो अगर आप लोगों को फिक्स रिटर्न चाहिए और फिक्स रिटर्न के लिए आप लोग FDs वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां से आप लोग 25 सालों तक कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा अगर आपने इस एनसीडी में पैसा लगाया तो, बिकॉज आने वाले समय में हो सकता है कि FDs के इंटरेस्ट रेट काफी कम हो जाए, जो कि अगर आप डेटा उठाएंगे पिछले 20 सालों का तो 20 सालों पहले जो इंटरेस्ट रेट हुआ
करते थे FDs पे 12% 13%, वो आज की डेट में आधे रह गए हैं। तो आने वाले समय में भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 20 सालों में भी FDs के रेट काफी कम हो जाएंगे। तो उस पर्पस से और उन चीजों को देखते हुए आप इस NCD में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस NCD से रिलेटेड सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।